क्या आप जानते हैं सहारा इंडिया में ज्यादातर निवेश भारत के मिडिल क्लास फैमिली का है। जी हाँ, और गरीबों का पैसा इसमें ज्यादातर फंसा हुआ है। लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया में लगा दी या सोच कर कि उनका पैसा टाइम से उनको मिल जाएगा। इसके लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है, लेकिन क्या उनको पता था कि उनके पैसे के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ होगा। जी हाँ, आपको बता दें, वो इस कदर परेशान हैं कि उनको और भी परेशान किया जाएगा। आपको बता दें चले, लगातार वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका पूरा अमाउंट कब तक उनके अकाउंट में आएगा, या वो लोग यूं ही इंतजार करते रहेंगे। जी हाँ, भारत के अनेक राज्यों में से निवेशकों ने सहारा इंडिया परिवार के अंतर्गत निवेश किया। मैच्योरिटी पूरी हो जाने के बाद भी निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं किया गया। ऐसे में निवेशकों के द्वारा अनेक बार अनेक प्रयास किए गए ताकि उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना पैसा जमा किया था। जी हाँ, आपको बता दें, जुलाई के महीने में रिफंड पोर्टल को जारी किए जाने के बाद ही निवेशकों को रिफंड पोर्टल के बारे में जानकारी पता चली कि उनके द्वारा लगातार अपना रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया गया। लेकिन क्या आपको पता है, खासकर अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी ये जानकारी नहीं है कि सहारा इंडिया के अंतर्गत उनको पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, यानी क्लेम के लिए फॉर्म भरना है। सहारा इंडिया परिवार के अंतर्गत निवेश करने वाले निवेशक करोड़ों की संख्या में है, और जब भी इतनी ज्यादा संख्या होती है तो अक्सर जारी किए जाने वाले आधिकारिक पोर्टल पर लिस्ट को जारी किया जाता है। वर्तमान समय में सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के जरिए निवेशकों को ₹10,000 की राशि प्रदान की जा रही है, जो कि डायरेक्ट उन निवेशकों के खाते में ट्रांसफर की जाती है जो कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के जरिए सफलतापूर्वक जिन्होंने अपना आवेदन कंप्लीट कर लिया है और पात्र पाए जाते हैं। पात्र कहने का मतलब मेरा ये है कि जिनकी मैच्योरिटी पूरी हो गई है जिनके अकाउंट की, वही पात्र हैं इसके लिए। डायरेक्ट निवेशक पेमेंट की स्थिति को देखकर आसानी से जान सकते हैं कि आखिर में उन्हें सहारा इंडिया का पैसा मिला है या नहीं। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो बहुत जल्द आपके खाते में सहारा इंडिया परिवार के अंतर्गत निवेश की गई राशि भेज दी जाएगी। वर्तमान समय में कोई भी निवेशक सहारा इंडिया पेमेंट लिस्ट को नहीं देख सकता, क्योंकि अभी इसे जारी नहीं किया गया। जी हाँ, पेमेंट स्थिति को देखकर यह जरूर जान सकते हैं कि आखिर में आपको सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद पैसा मिला है या नहीं। मेरा कहने का मतलब है, जिन लोगों ने क्लेम किया है उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा, यानी जिनके अकाउंट की मैच्योरिटी कंप्लीट हो गई है, बस उन्हीं को अभी इसका पेमेंट मिलेगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।